सो व्हाट इज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज की डेट में भी 70-80% सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को समझने के लिए पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंप्लीट गाइडलाइन होती है कि एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, और एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है कि आप एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करोगे। फॉर एग्जांपल, हमें एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जैसा कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसिस या फिर APIs एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो सब हम किसी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए करवाते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक डिफॉल्ट वे है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने का, क्योंकि इसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, बट जो भी पहली एप्लीकेशन बनाई गई थी वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए ही बनाई गई थी। और आज की डेट तक 70-80% वेब एप्लीकेशंस इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए ही बन रही हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए कुछ और भी आर्किटेक्चर्स आ गए हैं, जैसा कि सर्विस ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड, माइक्रो सर्विसेज, और इनके अलावा भी काफी सारे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अगर डेफिनेशन देखें तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन वेयर एन एप्लीकेशन इज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड एज अ सिंगल यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ट्रेडिशनल वे है एप्लीकेशन को बनाने का, और इसमें एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एज अ सिंगल प्रोजेक्ट बनाया जाता है और सारे कंपोनेंट्स एक ही रिपोजिटरी में होते हैं। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं और हम एक एक करके सबको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल कोड बेस। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सिंगल कोड बेस ही यूज करते हैं। अगर हमारा कोड पाइथन में लिखा गया है तो कंप्लीट एप्लीकेशन पाइथन में ही बनेगी। जैसा कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन में डिफरेंट कंपोनेंट्स और फंक्शनैलिटीज होती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसे मॉड्यूल्स होते हैं, तो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमें ये सारे मॉड्यूल सेम कोड बेस में ही बिल्ड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए कोई और लैंग्वेज यूज कर लें और बाकी एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सिंगल कोड बेस मीन कंप्लीट एप्लीकेशन यूजिंग सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है यूनिफाइड डिप्लॉयमेंट। एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना होता है। अगर आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन को एज अ सिंगल प्रोजेक्ट ही डिप्लॉय करना होगा सर्वर पर। जैसा कि ई कॉमर्स की एग्जाम्पल में, एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको सर्वर पर डिप्लॉय करना है, फॉर एग्जाम्पल AWS या DigitalOcean। तो एप्लीकेशन को हम एक ही इंस्टेंस या एक ही ड्रॉपलेट पर डिप्लॉय करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन को वी डोंट नीड टू हैव मल्टीपल सर्वर्स टू डिप्लॉय डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द एप्लीकेशन। शेयर्ड रिसोर्स। शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि एक पूरी एप्लीकेशन को सेम रिसोर्सेज ही अवेलेबल होंगे। लेट्स से कि अगर आपके पास 50 GB मेमोरी अवेलेबल है सर्वर पर, तो उस 50 GB को एप्लीकेशन का कोई भी मॉड्यूल यूज कर सकता है। जिस मॉड्यूल पर ज्यादा ट्रैफिक होगी वो उतनी मेमोरी यूज कर लेगा। तो इसी तरह से आपके सर्वर पर जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो पूरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होंगे। टाइट कपलिंग मीनिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड टुगेदर। अगर आपने किसी एक पार्ट में कोई चेंजेस किए हैं तो उससे एप्लीकेशन के दूसरे कंपोनेंट्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं, और सेम ऐसे ही अगर किसी एक पार्ट में चेंजेस किए हैं तो दोबारा से पूरी एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करना होगा। और हम सिर्फ एक कंपोनेंट को अलग से रीडिप्लॉय नहीं कर सकते, जब भी कोई चेंज होगी किसी भी पार्ट में तो पूरे प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो आपको एक बार फिर से एग्जाम्पल से समझा दूँ कि हमारे इसमें सिंगल कोड बेस होगी। अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे जिस भी लैंग्वेज में हमने बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल पाइथन में बना रहे हैं तो हम पाइथन का एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। सेम ऐसे अगर कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जैसे कि PHP है तो हम PHP का एक न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, और उसी में ही कंप्लीट वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन, एडमिन पैनल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, और इसके अलावा जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं सबको PHP में ही राइट करेंगे, और उसके बाद सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। एक ही सर्वर लेंगे हम और उसी पर पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। सिंपलिसिटी। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सबसे सिंपल वे है एप्लीकेशंस बिल्ड करने का। इसमें आपको बहुत सारे टेक स्टैक्स में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। आप जिस टेक स्टैक में एक्सपर्ट हैं उसी को यूज करते हुए आप कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, और आपको किसी और पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो मोनोलिथिक आपके लिए सबसे ईजी और फास्ट अप्रोच होगी। परफॉर्मेंस। मोनोलिथिक में कंप्लीट एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर डिप्लॉय होती है, जिसकी वजह से सब कंपोनेंट्स आपस में बहुत क्विकली इंटरेक्ट करते हैं और हमें बेटर स्पीड और परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स डिफरेंट सर्वर्स पर होते हैं,
और APIs के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम APIs में प्रॉब्लम भी आ जाती है और कुछ APIs काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाती हैं रिस्पॉन्ड करने में। तो इसलिए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमें परफॉर्मेंस और स्पीड काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है, क्योंकि हमें अदर के नेटवर्क पर रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी होती। टेस्टिंग और सारी चीज़ें एक ही सर्वर पर होती हैं, तो हम बहुत ईजिली टेस्टिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर कहीं एरर आ जाता है तो हम उसको क्विकली डिबग कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेबिलिटी। इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इंटायर एप्लीकेशन को एज अ सिंगल यूनिट डिप्लॉय किया जाता है, और हम किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को स्केल नहीं कर सकते। अगर स्केल करना है तो पूरी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और बहुत सारे यूज़र रजिस्टर और लॉगिन हो रहे हैं, तो हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को स्केल नहीं कर सकते। और अगर पूरी एप्लीकेशन को स्केल अप किया तो उससे वो मॉड्यूल भी स्केल अप हो जाएंगे जिनको ज़रूरत ही नहीं थी। सेम ऐसे ही, अगर कोई मॉड्यूल बहुत कम यूज़ हो रहे हैं और उसको स्केल डाउन करना है तो हम नहीं कर सकते। इससे हमारी सर्वर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और ये एक एफिशिएंट वे भी नहीं है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस चैलेंज। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में कंपोनेंट्स टाइटली कपल्ड होते हैं और कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर किसी एक कंपोनेंट में कोई एरर या कोई इशू आ जाता है तो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन डाउन हो सकती है। तो इसमें हमें हर टाइम मेक श्योर रखना होता है कि सारे मॉड्यूल 100% वर्किंग और फंक्शनल रहें। अगर एप्लीकेशन का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इश्यूज़ को ट्रैक और डीबग करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है, और अगर कोई इशू आता है तो एप्लीकेशन कैन स्टे डाउन फॉर लॉन्ग आवर्स। डिप्लॉयमेंट रिस्क। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जब आप किसी एक कंपोनेंट में चेंज करेंगे या उसको अपडेट करेंगे तो उसके बाद इंटायर सिस्टम को रीडिप्लॉय करना पड़ता है। ये एक काफ़ी रिस्की काम होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चेंजेस की वजह से एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल इंपैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप एप्लीकेशन का वर्जन चेंज करना चाहें तो आपको उसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट डिपेंडेंसीज की कंपेटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, और मोस्ट केसेस में सारी डिपेंडेंसीज और पैकेजेस भी अपडेट करने पड़ते हैं। ओके, लास्ट में हम बात करते हैं व्हेन टू यूज़ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो जैसा कि आपने देखा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए और अप्रोचेस भी अवेलेबल हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है माइक्रो सर्विसेज। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए मोनोलिथिक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और जब आप ग्रो कर जाएं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करनी हो तो मोनोलिथिक इज नॉट सजेस्टेड। 2009 तक नेटफ्लिक्स भी मोनोलिथिक अप्रोच ही यूज़ कर रहा था। लार्ज ट्रैफिक और डाटा को हैंडल करने के लिए दे स्विच्ड फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज। अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और डिफरेंट टेक स्टैक भी अवेलेबल है तो आप माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हैं, और अगर आप भी बिगनर हैं तो मोनोलिथिक आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस मोनोलिथिक पर ही स्टार्ट होती हैं, बट टाइम और जरूरत के मुताबिक दे स्विच फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज। आई होप मोनोलिथिक के रेलेवेंट आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू सो मच।